हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बाइनेंस के अंदर जो दो कॉइन लिस्ट होने जा रहे थे, एक तो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है मोबाइल कॉइन, और जो दूसरा है नेक्सो। नेक्सो का भी टाइम था 3:30 बजे का, बट उसे थोड़ा सा और डिले कर दिया गया। ये अच्छा ही हुआ ताकि यूजर्स को थोड़ा सा टाइम मिल गया। बट मोबाइल कॉइन की अगर बात करते हैं तो आप देखोगे $9 तक ये जा चुका था। अगर यहाँ पर लिस्टिंग के बाद करीब करीब यहाँ से लेकर यहाँ तक करीब करीब इसने देखिए कम से कम 153% तक का प्रॉफिट दिया भी है लोगों को जिन्होंने बाय किया, और जिन्होंने पहले से बाय किया हुआ था वो और भी अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर रह गए होंगे। दोस्तों चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर दबाइए। चलिए मोबाइल कॉइन को सबसे पहले कवर करते हैं। यहाँ पर आप इसका चार्ट एनालिसिस देख रहे होंगे, क्या जबरदस्त इसने पंप लिया है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे हम तो इसने काफ़ी अच्छा पंप, ये सिर्फ ये समझ लीजिए इसने इंस्टेंट लोगों को 150% का प्रॉफिट दे दिया है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो $3.50 से लेकर सीधा $9 तक ये पंप हुआ है इन बाइनेंस एक्सचेंज। या वैसे अगर चार्ट की बात करते हैं, क्योंकि FTX पर ये सिर्फ $7.50 तक ही गया है, ठीक है। यहाँ पर ये करीब करीब यहाँ तक भी आ चुका है। बाइनेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे आप ये रहा, ठीक है, जो कि ये आज ये लिस्ट दोपहर को 3:30 बजे लिस्ट उसको भी होना था। मैं इसके अंदर बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा कि इसके अंदर आप एंट्री करें, हमारे पास टाइम है अभी नेक्सो के अंदर एंट्रीज का। चलिए नेक्सो की न्यूज़ देख लेते हैं। ये देखिए नेक्सो लिस्टिंग पोस्टपोन हो गई थी, जो कि सुबह ये होनी थी 10 AM यानी कि दोपहर को 2:30 बजे होनी थी, 3:30 बजे होनी थी, इसकी जगह शाम को 7:30 बजे होने वाली है, ठीक है। मोबाइल कॉइन से लोग प्रॉफिट बुक करके अब सीधा इस कॉइन के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर 3.5 घंटे का टाइम है। इस वक्त करंट प्राइस की अगर बात करते हैं नेक्सो की, तो इस वक्त करंट प्राइस है इसका 2.52। अगर आप एंट्रीज लेना चाहते हैं, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है वीडियो के अंदर, अगर आप एंट्रीज लेना चाहते हैं 2.50 से लेकर और आपको वही $2 के आसपास मिलता है तो ले लीजिए, क्योंकि इसका जो एक कॉन्स्टेंट जो प्राइस है, और साथ में आप यहाँ पे देखोगे एक डाउन ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट भी किया इसने इस न्यूज़ के बाद। अगर हम इस सिर्फ चार्ट एनालिसिस पैटर्न के बेसिस पर भी बात करते हैं तो भी ये करीब करीब यहाँ पर इसने अपने टारगेट को हिट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक इसके पास एक रेजिस्टेंस है जो कि करीब करीब 2.70 से लेकर 2.72, अगर ये ब्रेक कर जाता तो हमारे पास $3 का टारगेट रहने वाला है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कम से कम इजिली 3.40 से लेकर क्या आप $4 तक भी देख पाओ। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं, पर अच्छा कॉइन है, अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर हम इसके प्लेटफॉर्म की भी बात करते हैं तो बाय कर लीजिए, अर्न कर लीजिए, स्टेकिंग बहुत अच्छा स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, मोस्टली सारे कॉइन्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, सारी चेन्स के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्सो कार्ड है, टोकन है अपना, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आप मानते हैं, अगर आप 10,000 टेथर को करते हैं तो आपको 12 मंथ में करीब करीब देखिए यहाँ पर 11,036 यानी कि $1,036 का आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि 10.36% का आपको APY मिल रहा है, ठीक है। 36 मंथ के अंदर आपको करीब करीब 34% का APY मिल रहा है आपके डिपॉजिटेड अमाउंट पर, ठीक है, जो आपके आप जो APY के लिए यहाँ पर लगाएंगे स्टेक्ड अमाउंट पर, ठीक है। तो ये आपका है। अब नेक्सो का आप कहाँ कहाँ से बाय कर सकते हो, देखिए 1,04,000 लोगों की वॉच लिस्ट में ऑलरेडी है ये, और चेंज की अगर बात करते हैं तो BEP20 पर भी है, ठीक है, BNB बीकन चेन BEP2 पर है ये, और साथ में पॉलीगोन पर भी है। हम पॉलीगोन से भी आप चाहते हो इसको बाय कर सकते हो। मार्केट पे बात करते हैं तो मोस्टली सारे एक्सचेंजेस पर है, वो भी बस समझ लीजिए बाइनेंस पे ही बचा हुआ था FTX, ठीक है, बायबिट पर। मोस्टली अगर किसी का बाइनेंस पर अकाउंट है तो होबी पर भी हो सकता है, FTX पर भी हो सकता है, बायबिट पर भी हो सकता है, जैसे मेरे तो इन सभी पर है, ठीक है। किसी भी एक्सचेंज से आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है, होबी से चाहे बायबिट से बाय कर लीजिए, ठीक है। बायबिट पर ये देखिए 2.52 का, आप यहाँ से चाहते हो इसको बाय कर लीजिए और प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। 2.57 प्राइस पहुंच चुका दोस्तों, मेरा सजेशन है आप इसको बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये है। और बाकी शाम को जैसे आप इसके अंदर प्रॉफिट हो, प्रॉफिट आपका, मेरा मिनिमम प्रॉफिट का टारगेट है 50% से 2x का मेरा मिनिमम टारगेट है, पर प्रॉफिट और लॉस आपका। जैसे प्राइस बढ़ता जाए ठीक 10% नीचे अपना स्टॉप लॉस को एक्सटेंड करते जाए तो आप सेफ चलेंगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।